सुबह से ही जो खबर सबसे ज़्यादा मेनस्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के सोर्सेस से सामने आ रहे वो है आज दिलीप कुमार की मौत की खबर। हाँ, कुछ दिन पहले ही एक मुंबई की हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट हुआ था एंड आज सुबह ही दिलीप कुमार की मौत हो गया। लोग तो उनको दिलीप कुमार नाम से ही पहचानते हैं, लेकिन क्या दोस्तों आप लोगों को पता है दिलीप कुमार की असली नाम यूसुफ खान? हाँ, यही नाम उनका पापा ने रखा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से उन्होंने नाम चेंज करके दिलीप कुमार रखा था, ये स्टोरी आज आप लोगों के साथ मैं ब्रीफली बात करूंगा। तो वीडियो पूरे एंड तक देखते रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का आज निधन की खबर सुबह ही आ गया था। उनका उम्र 96 हो गया था। इसी अभिनेता की निधन की खबर सुबह से ही बॉलीवुड में भी पता चल गया था और कुछ बड़े बड़े अभिनेता सुनने के बाद चौंक जा रहे हैं। सचमुच दिलीप कुमार की मृत्यु का अर्थ है कि एक युग का अंत। उनका करियर में सफलता का रिकॉर्ड भी कम प्रभावशाली नहीं था। दिलीप कुमार के पापा ने उनका नाम रखा था मोहम्मद यूसुफ खान, लेकिन ये नाम तो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता था। लेकिन क्यों इसी वरिष्ठ अभिनेता ने खुद का नाम चेंज किया था, ये जाना जाता है कि दोस्तों प्रोड्यूसर देविका रानी ने ये नाम बदलने के लिए दिलीप कुमार को बोला था। एंड इसके साथ ही साथ 1944 में जोहर वटम मूवी के लिए लीड कैरेक्टर में एक्टिंग करने के लिए ऑफर किया था दिलीप कुमार को। एंड दिलीप कुमार द सब्सटेंट एंड द शैडो इसी किताब के अंदर इसी स्टोरी भी लिखा है। उसी किताबों के अंदर अभिनेता ने लिखा, देविका रानी ने बताया, यूसुफ मैं तुम्हें लॉन्च करने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन में अगर ये नाम चेंज करके किसी अलग नाम रखोगे तो लोगों को पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगा एंड खुद की इमेज भी बढ़ेगा, दर्शक अलग ही नाम से तुमको पहचानेगा। दीपिका रानी ने और भी बताया था कि मुझे लग रहा है तुम्हारी ये नाम चेंज करके दिलीप कुमार ये नाम सुनने में अच्छा लगेगा। उसके बाद यूसुफ नाम चेंज करके दिलीप कुमार रखा गया था, लेकिन दिलीप कुमार के पापा दिलीप कुमार की इंडस्ट्री में आना कभी नहीं पसंद करता था। जब दिलीप कुमार ने एक्टिंग करना शुरू किया था तब उनका पापा नाटक कर रहे ये सारे चीज़ बोल के दिलीप कुमार को छेड़ता था एंड घर में ये प्रॉब्लम की वजह से 1940 में खुद का घर पुणे छोड़ के एक आर्मी क्लब के सामने एक सैंडविच की दुकान में उन्होंने काम करना शुरू किया था। लेकिन बाद में जब फिल्म हिट होने लगा उनके लाइफ स्टाइल भी चेंज होने लगा। मुंबई जाने के बाद दिलीप कुमार बॉम्बे टॉकीज के साथ जुड़ गए। वहाँ उनका मुलाकात अशोक कुमार के साथ हुआ था। उन्होंने हमेशा अपने करियर में अशोक कुमार की बड़ा भूमिका को स्वीकार करते हैं। वहाँ अशोक कुमार के संपर्क में आया और मेथड एक्टिंग से उन्होंने खुद को कनेक्ट कर पाया। दिलीप कुमार को बॉलीवुड करियर करीब 4 दशक की था। उनको ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। उन्होंने उनके पूरे करियर में 75 फिल्में किया था। देवदास किया था 1955, मुगली आजम किया था 1960, गंगा जमुना किया था 1961, क्रांति किया था 1981, कर्मा किया था 1986। ये सारी मूवी बॉलीवुड को आज भी एहसास दिलाते हैं। 1980 में रिलीज हुआ किला मूवी के अंदर लास्ट दिखाई गया था दिलीप कुमार की एक्टिंग। 1994 में दादा साहेब फाल्के एंड 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आज के ज़माने का लोग शायद दिलीप कुमार को नहीं पहचानते, लेकिन एक टाइम था जब बॉलीवुड ने इसी एक्टर को ट्रेजेडी किंग कहा जाता था।